हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं तिलकराज शर्मा पीएचडी रिसर्च स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपने चैनल पे आपके लिए हफ्ते के लास्ट में एक क्विज़ लेके आएंगे जो हमारे पिछले सभी लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड होगा ये क्वेश्चंस ये क्विज बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और आपके जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर हैं जैसे यू पी एस सी आई ए एस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं या जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के KAS के ए एस के क्वेश्चन पेपर हैं या फिर जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ग्रेजुएट लेवल के पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वहाँ से लिए हुए हैं सो आई होप आप बहुत ध्यान से और अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे ना केवल आप क्वेश्चन के सही आंसर देंगे बल्कि आप इनमें चारों ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनका भी सभी ऑप्शंस के एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे आई होप आप मेरी ये सलाह मानेंगे और अपना एक बेटर रिजल्ट लेके आएंगे सो विदाउट सॉरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम I need to get start, so here is the first question which among the following was the first attempt to regulate the affairs of the English East India Company in India? So if you recollect my first lecture, you may get the answer now. It, the answer is the Regulating Act of 1773. बेसिकली द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज़ इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ओनली टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज ऑफ द प्रवेलिंग करप्शन इन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द वेल्थ अनकंट्रोल्ड वेल्थ जो उनके पास एक्यूमुलेट करके वो यहाँ से जा रहे थे इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवनटीन सेवनटी थ्री पास किया गया इस रेगुलेटिंग एसेंट सॉरी इस रेगुलेटिंग एक्ट को जो रॉयल एसेंट मिली रॉयल एसेंट मींस द एसेंट ऑफ द क्वीन वो मिली 10 जून सत्रह सौ तिहत्तर में मीन्स टेंथ जून 1773 सेवेंटी सो नेक्स्ट द प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वॉज मेड इन विच एक्ट प्लीज अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपको आंसर आता है द आंसर इज़ ए अगेन द रेगूलेटिंग एक्ट ऑफ सेवनटीन सेवनटी थ्री एक्चुअली ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है सेवनटीन सेवनटी थ्री का इसमें जो ब्रिटिश क्राउन ने अथोराइज़ किया है कि जो क्राउन है जो क्राउन गवर्नमेंट एस्टाब्लिश करेगी एक सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर कैलकाटा में और वो जो एस्टैब्लिशमेंट जो सुप्रीम कोर्ट को इस्टैब्लिश करने के लिए एक रॉयल चार्टर पास किया गया वो किया गया सत्रह में और फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम कलकत्ता में इसको इस्टैब्लिश किया गया सो so, अगर आपको याद है तो जजेस की स्ट्रेंथ कितनी थी वन चीफ जस्टिस प्लस थ्री जजेस और टर्म कितना है फाइव ईयर सर नेक्स्ट Who was the first governor of Bengal? Please note: not governor general of Bengal, only the governor of Bengal. So there is actually a long list of governor general of uh, this governors of Bengal, total 21. The first governor of Bengal was the answer: is B, Warren Hastings. So Warren Hastings actually joined the and took the uh, office twentieth October seventeen seventy three and retired first of February seventeen eighty five and who was the last governor of Bengal then twenty first I said the Lord Canning and the Lord Canning again was the first Viceroy of India please note these facts so next question which one of the following act or reports created the federal court in india very good question and very uh, you know frequently asked also so any guess of uh, guess from your side and please try to answer and try to note the, all the options that what what are the provisions of other options also Tabi aapko question clear so in explanation

नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज आस्क इन जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और अदर एग्जामिनेशन थ्रू विच ऑफर द ब्रिटिश गवर्नमेंट अथॉरिटेटिवली सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच ऑफर आई गेव अगेस्ट ऑल्सो द आंसर इज ए अब एक्सप्लेशन की अगर हम बात करें अगस्त ऑफर जो था इट वॉज एन ऑफर बेसिकली किसने दिया वाइस राय लिनलित को लिनलित को और वो कब 1940 में जिसमें प्रॉमिस किया गया कि जो वाइस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड किया जाएगा उसकी एक्सपेंशन किया जाएगा इन इंडिया क्यों एक्सपेंड किया जाएगा टू इंक्लूड मोर इंडियंस इनटू इट सो so, बेसिकली इसमें जो वार टाइम मतलब

First is Crips Mission, second is Cabinet Mission Plan, then C is the Webel Plan and D is the Nehru Report. So when we say that the constitution making and the, uh, you know, the constituent of the constitution, I mean, uh, the constituent of the Constituent Assembly, uh, the formation of the Constituent Assembly. So it actually means the Cabinet Mission Plan of 1946. अब हुआ क्या बेसिकली जब हम इसकी कॉन्स्टिट्यूंट uh, असेंबली और उसकी मेकिंग की बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एक्चुअली ड्राफ्टेड यू नो ऑल वी नो दैट द बाई द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंप्लीमेंटेड किस में हुआ था अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान जो कब आया था सिक्सटीन्थ ऑफ मई नाइनटीन फोर्टी सिक्स प्लीज नोट द डेट्स सिक्सटीन्थ मई नाइनटीन फोर्टी सिक्स अब इसी प्लान के अंदर बताया था कि मेम्बर्स कैसे इलेक्ट होंगे इसमें लिखा था कि जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे वो प्रोविंशियल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली करेंगे और वोट सिस्टम कौन सा रहेगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो किसके अंदर आता है अम्ब्रेला टर्म इज़ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आए एंड लास्ट लेटली दो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब बनी सिक्सथ ऑफ दिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट डेट है इसको कभी नहीं भूलिएगा सेवेंथ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड फ्रीक्वेंटली ऑल्सो सो वैन वी टॉक अबाउट द ड्यूअल गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट नो ड्यूअल सिस्टम सो इट वॉज एक्चुअली द pitts india act of 1784 pitts india act please note down actually the pitts india act or the east india company act 1784 it was passed by the british parliament Q? to rectify the defects of the regulating act of 1773 so finally it resulted in the dual control आर द ज्वाइंट गवर्नमेंट इन इंडिया बेसिकली जब 1773 में आपने उनसे सारे राइट्स ले लिए तो ऑब्वियसली uh, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है देवर नॉट एक्चुअली सेटअप इन नॉट हैविंग एनी सेटअप इन इंडिया सो दे हैव टू यू नो रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द कंपनी सो द पिट्स इंडिया एक्ट पासड एंड इसमें दो तरह की गवर्नमेंट दो सिस्टम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाया गया जिसमें बोथ विल बी हैविंग अ रोल टू प्ले लाइक बोथ आई मीन ईस्ट इंडिया कंपनी और आप क्या क्राउन गवर्नमेंट ऑल्सो सो लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी फाइनल अथॉरिटी किसके पास रही सिर्फ और सिर्फ क्राउन के पास सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर एडविन मोन्टेग्यू एंड वाइस राय लॉर्ड जम्प फॉर आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑब्वियसली बहुत सिंपल क्वेश्चन है

एंड द एक्ट एम्बॉडिड द रिफॉर्म्स रिकमेंडेड इन द रिपोर्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है न जो एडविन मोन्टेग्यू थे और जो वाइस राय चांस फॉर्म थे इन्होंने जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की उसको एसेंट मिला दिसम्बर रॉयल एसेंट आई मीन दिसंबर नाइनटीन नाइनटीन I mean, को सो so, फर्दर इसमें बहुत से प्रोविजन्स एड किए गए बट जो लेटली uh, इसमें प्रोविजन्स थे वो डायर की इंट्रोड्यूस की गई थी डायर की मतलब डायर की इन द स्टेट्स <laughs> नेक्स्ट हु वॉज लॉर्ड मॉर्ले वेरी सिंपल क्वेश्चन यू ऑल मे बी नोन सो आई बी गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लॉर्ड मॉर्ले आर द जॉन मारले सो बेसिकली ही स्टार्टेड हिज पोलिटिकल करियर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव करियर एज अ जर्नलिस्ट देन ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट इन एटीन एटी थ्री जब इनके करियर uh, की बात करें हम जो ब्रिटिश सिस्टम था उसके अंदर की उसके वर्किंग की बात करें तो इन्होंने शुरू किया एज अ चीफ सेक्रेटरी फॉर आयरलैंड इन एटीन एटी सिक्स एंड बिटवीन एटीन नाइन्टी टू एंड एटीन नाइन्टी फाइव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया

तो उसमें बहुत से प्रोविजंस थे इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया और इसके बहुत सारे प्रोविजंस जो थे हम वो एक साथ आगे कैरी करके अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिपेंडेंट इंडिया का था उसमें भी हमने इंट्रोड्यूस किया अब अगर हम सभी प्रोविजन्स को पढ़ें फर्स्ट ऊपर क्वेश्चन को नोट करना फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी सो फर्स्ट दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ द federation of India comprising British East uh, British Indian Provinces, obviously to thai tha. So, diarchy in the provinces was replaced by provincial autonomy. Obviously, the post of Indian Council of Secretary of State for India made permanent. So answer is C. It wasn't uh, made permanent. Diarchy was introduced at the center because जो स्टेट्स में एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस की थी वो स्टेट से हटा के कहाँ पर दे दी सेंटर पे बना दी जिसमें दो तरह के सब्जेक्ट्स uh, को डिवाइड किया गया था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट सो नेक्स्ट विच द फॉलोइंग एसेंट इज़ नॉट करेक्ट इज नॉट करेक्ट मीन्स ठीक है मॉर्मेंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया

क्यों रॉन्ग है बिकॉज़ द सिविल सर्विस बिगेन इन 1853 अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853. नाउ प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच एक्ट एनेबल्ड द गवर्नर जनरल टू एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन पीपल विद द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन बाय नॉमिनेटिंग दैम टू एक्सपेंडेड एक्सपांडिड काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन फिफ्टी एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन सिक्सटी एट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस इज इंडियन इंडिपेंडेंस सॉरी दिस इज़ इंडियन काउंसिल एक्ट एटीन सिक्सटी वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन नाइनटी टू एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन फिफ्टीन जब हम इन सभी ऑप्शनस को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि सभी के सभी ऑप्शन ठीक हैं बट द फर्स्ट स्टेप टू इंक्लूड यू नो मोर इंडियन In the uh, not more Indian to have you know public uh, Indian opinion in the administration was introduced in 1861. Which of the following charter or act ended the monopoly of trade of East India Company with China and sea route? A Pitts India Act 1784, B the Charter Act of 1830? Charter Act of 1833 and the Regulating Act of 1773. So the answer is Charter Act of 1833. So if you talk about the Charter Act of 1833, please note don't. this act is also called the St. Helena Act 1833 or the Government of India Act 1833 are then the charter act of 1833. so this charter act has many provisions. first and the most prominent provision of this is that it ended the monopoly of east india company to trade with china and the sea route also. which act provided the separate representation to presidency, corporation, chambers of commerce, Universities and Zamidar. Very important question. This is basically, you know, what happened. We mostly, you know, known uh, know these uh, government uh, these acts and uh, the you know provisions of them because of few aspects only. Like 1909, if we talk about then, the separate electorates were extended to Muslims only. दैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटी एंड थर्टी फाइव ऑब्बसली मैनॉरिटीज़ का तो सभी को पता ही है मनॉरिटीज़ आई मीन द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द लिथ्स एंड अदर्स बट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज इंडियन काउंसिल एक्ट आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन जीरो नाइन जिसे आप मॉर्मेंटोरी फॉर्म्स भी कहते हैं इसी यहीं से इसी, इसी इसी एक्ट से आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो शुरू होता है प्रोसेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिसे आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहें या कुछ भी आपने क्रिटिसाइज करना है बट द राइट आंसर इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जीरो यहाँ पर अलग से रिप्रेजेंटेशन दी गई थी मुस्लिम्स के बाद जो प्रेजिडेंसी कॉपरेशंस थी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स थे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे या फिर ज़मींदार थे Then the last question is Who among the following was the vice president of the executive council in the interim government 1946 47? So, you may all aware of the interim government. So, basically, this interim government was established uh, during this when the constitution uh, making was there. So, interim government was necessary. Uh, क्यों और ये कब कितने टाइम तक चली टोटल इलेवन मंथ इंटरिम गवर्नमेंट इलेवन मंथ तक चली इसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वाइस प्रेसिडेंट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ऑब्वियसली द गवर्नर जन जनरल उस समय के थे जो वाइस राय जो थे वो इसके प्रेसिडेंट रहे और ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाई क्यों थी सो so दैट जो फैसिलिटेट किया जाए जब ब्रिटिशर्स डिपार्ट कर रहे थे इंडिया से और इंडिया को अपना री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम करना था सो आई होप यू मे बी अवेयर अबाउट द अदर ऑप्शन आल्सो लाइक मोतीलाल नेहरू लाइक सरदार पटेल एंड सी राजा गोपाल सो दीज आर द आंसर्स प्लीज़ नोट डाउन अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप कमेंट में बताइए या अपनी इस स्लाइड्स को इन सभी क्वेश्चंस को अगर मेरे आंसर्स नहीं सुनने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ख़ुद इनको सॉल्व uh, करने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी आंसर्स की अपलोड कर सकते हैं हम आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपने अगर ये अटेम्प्ट किया एंड थैंक यू सो मच प्लीज़ मेरी आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट रहती है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी वीडियोस बनाने के लिए आई रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू थैंक यू सो मच